व्हाट्स अप एनिमल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करी थी वहां पे उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में बेसिकली आपका 7 से 7,500 रुपए का प्रॉफिट आया था ओवरऑल पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी में। यस, मार्जिन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, बट जो अब की स्ट्रैटेजी है इसका मार्जिन क्राइटेरिया भी क्लियर है। वहां पे अगर मैं अप्रोक्सीमेट देखता हूँ तो 7 से 8% का रिटर्न आ रहा था विद इन 15 डेज। और इस स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल मेरा और ज्यादा बढ़ जाता है और जो मेरा टाइम फ्रेम है थोड़ा सा और कम हो जाता है। मैं इसका टाइम फ्रेम जो लेके चलूंगा वो नेक्स्ट 10 डेज के लिए लेकर के चलूंगा, यानी जो अभी अपकमिंग एक्सपायरी है थर्सडे की, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रही है उसका व्यू लेकर के चलेंगे। सो क्विकली चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि भाई एक्चुअली मार्जिन कितना लग रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए और कितना रिटर्न ऑन कैपिटल मेरे को उसमें आ सकता है। तो अभी हम वापसी आ गए हैं ऑप्स्ट्रा के ऊपर। ऑप्स्ट्रा बेसिकली एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जिसके बेसिस पर हम एक ऑप्शन के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को बिल्ट अप कर सकते हैं और वहां से हमें एक्चुअली आइडिया लग जाता है कि भाई जो स्टॉक है वो किस साइड मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, या एक यूनिडायरेक्शनल मूव अगर देता है तो मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हो सकता है। तो सिंपल वे है, मैंने आपको पहले वीडियोज में ही बताया है, आपने आकर के यहाँ पे लॉग इन करना है अकाउंट में और जब आप लॉग इन कर लोगे आपका अपना लॉग इन पेज खुल जाएगा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड में कुछ अलग प्रोविजंस आ जाते हैं बट यस अभी हम फ्री वाले के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लॉग इन हो रखा है। एक्चुअली अब मुझे क्या करना है इस अपकमिंग स्ट्रैटेजी में, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैं दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला, जिन लोगों का कैपिटल बेस बहुत छोटा है, बहुत छोटा एज इन बिलो 50,000, और जिनका कैपिटल बेस 50,000 से ऊपर है और वो एक रिस्क को बिल्कुल मिटिगेट करना चाहते हैं। जिनका 50,000 से कम है, यस, उसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल होगा, लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस तरीके से मैं दोनों चीजों के अंदर डिवाइड करके बताऊंगा। निफ्टी का जो एक्चुअली स्पॉट चल रहा है, जो अभी लास्ट क्लोज हुआ है फ्राइडे को, वो 17,670 पर हुआ है। फ्यूचर जो क्लोज हुआ है 17,737 पर हुआ है। मुझे करना क्या है, सबसे पहले मेरे को ऑप्शंस में आना है। 28 अप्रैल की मंथली एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो है वो 7 अप्रैल की है, बट हम उसके नेक्स्ट वीक में चलेंगे, हम 10 डेज का व्यू लेंगे। आज 2 तारीख है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 को संडे हो जाएगा, मंडे से ही ये स्ट्रैटेजी जो एप्लीकेबल होगी। ऑफ कोर्स देर मे बी चांसेस कि अगर यहाँ से 100-200 पॉइंट का अप मूव या डाउन मूव, अगर कोई गैप अप या गैप डाउन बड़ा मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको जो अपने स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। सो कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप अपने ऑटोमेटिकली आप उनके स्ट्राइक्स को चेंज कर सकते हो, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। 13 अप्रैल का मैं सबसे पहले लूंगा 17,500 का, 17,500 का मैं बाय करूंगा एक लॉट पुट का। सो मैंने 17,500 का एक लॉट पुट का बाय करा जिसमें मेरा 6,500 रुपए का मार्जिन लगेगा। मार्केट अगर नीचे गिर जाती है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर ऊपर कहीं रह जाती है तो मेरा मैक्सिमम लॉस 100% है, इससे ज्यादा मेरे को लॉस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पुट बाय करने के बाद मैं करूंगा 17,100 का 3 लॉट पुट को सेल, ठीक है। इस पोजीशन में अगर मैं प्रैक्टिकली देखता हूं तो मैंने 1 लॉट पुट का बाय करा हुआ है और 3 लॉट पुट के सेल करे हुए, यानी जो मेरी ओपन पोजीशन जो आती है, एक्स्ट्रा ओपन पोजीशन जो आती है वो मेरी 2 लॉट पुट की आती है। अब मैं इसके अगेंस्ट 2 लॉट पुट के कर लूंगा बाय, सो दैट मेरी जो पोजीशन है वो नियर टू स्क्वायर ऑफ हो जाए और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेसिकली जहां मेरे मार्जिन है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली वो कम हो जाए, ठीक है। अभी यहां पर मेरा बेनिफिट क्या हुआ, सबसे पहली चीज मार्जिन 53,000, ये अगर आप दूसरे ब्रोकर के साथ में भी चेक करोगे तो ये 53 से लेकर के 60,000 के बीच में आएगा। पहले जैसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऊपर नीचे आ रहा है, बट यस दिस वुड बी 53,000। वेल, इसमें जो मेरे को एक्चुअली प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी है दिस इज 17,000। अगर मार्केट किसी वजह से नीचे की तरफ आनी चालू होती है तो मुझे 17,000 रुपए प्रॉफिट आएगा, जो कि मेरा 32% रिटर्न ऑन कैपिटल है। मैक्सिमम लॉस मार्केट में अगर अपर सर्किट भी लग जाता है ऊपर की तरफ तो भी मेरा जो मैक्सिमम लॉस है ये 2,800 रुपीज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पहली बात तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो गया। अब ये पहली चीज कि भाई जिन लोगों का कैपिटल बेस बहुत ज्यादा छोटा है, जो 50-55,000 के बीच में जिनका कैपिटल बेस है, वो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अगर आपके व्यू में चलती है ये स्ट्रैटेजी तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 17,000 का हो सकता है। हम इसको 50% लेकर के चलते हैं कि भाई आपको पूरा 17,000 नहीं होता, बट अगर मैं इसका 50% भी लेके चलता हूं तो भी मेरे को 8,500 रुपया प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट
10 डेज में जो कि 16% के रिटर्न निकलता है, ठीक है। अभी उन लोगों के लिए जिनका कैपिटल बेस थोड़ा सा ज्यादा है, जो कहते हैं कि भाई मैं 53,000 नहीं, मेरे को ऐसा कुछ बताओ कि मैं 1.5-2 लाख रुपए लगाऊं और मैं ये 28,000 को भी मिटिगेट करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इसको कम कर देना चाहता हूँ या इसको खत्म कर देना चाहता हूँ। अभी सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो ये 3 डिफरेंट पोजिशंस हैं, इसको मिटिगेट करने के लिए, बिकॉज हमें अपसाइड में हमें लॉस होगा, डाउनसाइड में हमें प्रॉफिट होगा, इसको कम करने के लिए मैं करूंगा 16,600 की मैं यहाँ पर पुट को सेल करूंगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपका कितना रिस्क एपेटाइट है, आपके पास मार्जिन्स कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप खाली 2,800 रुपए के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करते हो, तो मैं आ जाता हूँ कैलकुलेटर पर। तो आपका एक लॉट में अगर मैं यहाँ पे 14.5 रुपए की, लेट से मैं 15 रुपए की इंटू मैं 50 का जो मेरा लॉट है, यानी मेरे को 750 रुपए पर लॉट का मुझे प्रॉफिट आता है, ठीक है। अभी मेरे को जो लॉस आ रहा है मैक्सिमम लॉस, दिस इज 2,850 रुपए। तो अगर मैं 2,850 को डिवाइड करता हूँ 750 से, तो मैं 3.8, यानी कि मैं यहाँ पर अगर मैं 4 लॉट बेच देता हूँ सिंपल वे में, तो मेरा ये जो 2,800 रुपए का जो लॉस है ये मेरा मिटिगेट हो जाता है। तो अब अगर मैं इनको 2 डिफरेंट पोजिशंस में देखता हूँ, फर्स्ट मेरा एक सेटअप है जहां पर मैंने 17,500 की एक पुट बाय करी है, 17,100 की एक 3 लॉट पुट के सेल करे हैं, और 17,000 का 2 लॉट मैंने पुट के बाय करी, ये मेरी एक डिफरेंट पोजिशन हो गई। और उसके अगेंस्ट जो मेरा 2,800 रुपए का लॉस आ रहा था उसको मिटिगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 16,600 के 4 लॉट पुट के मैंने सेल कर दिए। अभी अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो यस, आपका जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, लेकिन आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ गया। प्लस जो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल है, यस वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सो किसी वजह से अगर मार्केट के अंदर अपर सर्किट भी क्यों नहीं लग जाता है, तो भी आपको 0 लॉस होगा, और जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दिस वुड बी 20,000। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो, मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर कोई क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। कुछ और एडिशन अगर आप करना चाहते हो, कोई चीज अगर आपको गलत लग रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और बाकी कोई क्वेरीज हैं मैं अवेलेबल हूँ कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी की वीडियो पसंद आई होगी। इन केस यू हैव सम क्वेरीज आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ऐसी फ्रेश वीडियोज बनाते रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।